तो ये हमारा दही और सूजी और शिमला मिर्ची की नाश्ता बना हुआ है, एकदम हेल्थी नाश्ता है। तो आप चाहे जब भी मन करे तब भी बना के खा सकते हैं और बच्चे को लंच में दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है और इसमें तेल नहीं लगता है। अगर आप फ्राई करके खाएंगी तो और अच्छा इसमें स्वाद आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम हेल्थी नाश्ता और परफेक्ट नाश्ता जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पाव भर सूजी ले ली हूँ, आधा पाव दही ले ली हूँ और यहाँ पे मैं कुछ सब्जी कट करके रखी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शिमला मिर्च है, ये दो तीन प्याज है, एक शिमला मिर्च है, एक टमाटर है, ये हरी मिर्च है, ये अदरक है, ये धनिया पत्ती है। अगर आप इसमें और मिलाना चाहते हैं तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना ही सब्जी ली हूँ। तो इस सब्जी को डाल के और हम एकदम नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये जो दही है, दही को हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दही को मैं एकदम अच्छे से मिला ली हूँ और इसमें ये जो सब्जी है, सारा सब्जी हम इसमें डाल के अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अब इसको हम एकदम अच्छे से इसमें ऐसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभी मैं कोई मसाला नहीं ऐड की हूँ, सिर्फ नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप जितना खाते हैं उसी के हिसाब से इसमें नमक डालिए और नमक को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तब इसको अब हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं, उसके बाद से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 मिनट हो गया है, तो अब इसको हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये फूल गया है। ये जो है बैटर, इतना ही गाढ़ा इसको रखना है, इससे थिक नहीं करना है। देखिए, देखने में ऐसा लगे। इसमें हम, आपके पास अगर इनो है तो 1 पैकेट इनो इसमें डाल दीजिए, नहीं तो मीठा सोडा डाल दीजिए, नहीं तो बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं देखिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसको रख देते हैं। तो इसको मैं अच्छे से एकदम फेंट ली हूँ। फेंटने के बाद जिस जिस थाली में हमको इसको रखना है बनाने के लिए, तो उसमें हम घी लगा लेंगे, नहीं तो तेल लगा लेंगे। तो देखिए, हम इसमें घी लगा ली हूँ। घी लगाने के बाद इसको हम ऐसे रख देते हैं और मैं पहले से रख दी हूँ कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए। तो देखिए, इस तरह से हमको टप कर देना है और एकदम ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको अब हम गैस पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो अभी तो मैं हाई फ्लेम पे रखी हूँ, तो ये गर्म हो गया है गुनगुना सा। अब इसको मैं इसी पे रख दे रही हूँ और इसको हम अच्छे से ढक के रखेंगे कि इसमें से गैस ना निकले। इसको हम इस तरह से ढक देते हैं और इसको कम से कम 10 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं। ऐसे 10 मिनट के बाद हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा नाश्ता एकदम बन के तैयार हो गया, बिना तेल का, और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आपको जब मर्जी करे तब बना के खाइए। तो देखिए, ये 10 मिनट में एकदम अच्छे से तैयार हुआ है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो इसको हम ऐसे पीस पीस कट कर लेती हूँ, तब दिखाती हूँ आपको। अभी ये गर्म है, ठंडा हो जाने पर एकदम अच्छे से ये पीस पीस कटेगा। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पीस पीस कट करके रख ली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं फ्राई की हूँ इसको। फ्राई करने पे और इसका स्वाद बढ़ जाता है, और घी में मैं फ्राई की हूँ और ये ऐसे सादा ही है। तो आपका जैसे मन करे वैसे खा सकती हूँ। इसमें भी स्वाद मिलेगा, इसमें भी स्वाद मिलेगा, दोनों तरह का स्वाद ले सकती हैं। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही है।